गांजा बेचने की फिराक में घूम रहा आरोपी चढ़ा कोतवाली पुलिस के हत्थे। आरोपियों के कब्जे से 3 किलो गांजा जब्त। जांजगीर चांपा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में गांजा बेचे जाने की शिकायत कोतवाली पुलिस को लगातार मिल रही थी। गांजा तस्कर को पकड़ने के लिए कोतवाली पुलिस ने मुखबिर लगा रखे थे। इसी दौरान कोतवाली पुलिस को अपने मुखबिर से सूचना मिली कि बलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम चारपारा का रहने वाला संतोष कुमार तिवारी गांजा तस्करी के धंधे में शामिल है और ग्रामीण क्षेत्रों में गांजा बेचने के लिए जाने वाला है। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने नेताजी चौक के पास घेराबंदी कर संतोष कुमार तिवारी को पकड़कर तलाशी लिया गया तो पुलिस को संतोष कुमार तिवारी के पास से 3 किलो गांजा मिला, जिस पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी संतोष कुमार तिवारी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। थाना जांजगीर नेताजी चौक की घटना है। जांजगीर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नेताजी चौक में बलौदा चारपारा निवासी संतोष कुमार तिवारी अवैध रूप से गांजा विक्रय करने हेतु परिवहन कर रहा है। इसकी सूचना पर जांजगीर पुलिस के द्वारा रेड किया गया नेताजी चौक में और आरोपी संतोष कुमार तिवारी पिता किशुन लाल 51 वर्ष निवासी चारपारा थाना बलौदा के कब्जे से 3 किलो मादक द्रव्य गांजा जब्त किया और जब्ती उपरांत 20B NDPS एक्ट का अपराध सिद्ध पाए जाने से आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। जांजगीर चांपा से राजेंद्र रत्नाकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।